तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 में बीपीएससी बीएड महिला अभ्यर्थी पहुंच गई हैं सचिवालय बीपीएससी ऑफिस, जो कि बिहार की महिला अभ्यर्थी हैं अनामिका जी, ये बीएड अभ्यर्थी हैं। इन्होंने अधिकारियों से जाकर के अपनी बात रखी। क्या रखी? माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी हाल ही में जो फैसला है बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी से बाहर को लेकर के, उस पर इन्होंने जो है बीपीएससी के अध्यक्ष का जो वक्तव्य पढ़ा, जो उन्होंने ट्वीट उनकी बातों को पढ़ा और जाना कि बीपीएससी अध्यक्ष कह रहे हैं आगे भर्ती में इस तरह का कोई हमारी तरफ से दिक्कत नहीं है। इनको इस बात का संशय है कि आगे चल करके अगर बीपीएससी इस तरह का करती है तो अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे। तो इन्होंने लिखित आश्वासन के लिए इन्होंने बकायदा एक प्रोफार्मा बनाकर के ले गई थी घर से 2-3 अभ्यर्थियों, महिला अभ्यर्थियों के साथ, कि बीपीएससी की तरफ से कुछ एक लिखित नोटिस एक सचिवालय की तरफ से दिया जाए, जिससे भविष्य में आने वाले समय में बीपीएससी के माध्यम से कुछ ऐसा बीएड के विपक्ष में ऐसा फैसला ना दे बीपीएससी, जिससे अब महिला अभ्यर्थी या पुरुष अभ्यर्थी जो भी बीएड के हैं उन्हें कोई दिक्कत का सामना करना पड़े पीआरटी बीपीएससी को लेकर के। तो चलिए सुनते हैं अनामिका जी के मौखिक बयान से कि उन्होंने बीपीएससी ऑफिस जाकर के, सचिवालय जाकर के क्या क्या बातें वहां कहीं और वहाँ उन्हें क्या क्या जवाब दिया गया। चलिए आप भी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथियों को नमस्कार। आप लोग देख रहे हो कि मैं सचिवालय से व्यस्त हुई हूँ और आज मेरी मुलाकात हुई है शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, प्राइमरी डायरेक्टर सर से भी और माध्यमिक के जो डायरेक्टर सर थे उनसे भी मुलाकात हुई है। और मैं खास करके दो मैटर उनके सामने अपने तरीके से उनके सामने बस एक्सप्रेस करने की कोशिश की कि सर बीपीएससी के जो जो एग्जामिनेशन में अभी बोला जा रहा है कि ये एग्जामिनेशन कंटिन्यू रहेगा, तो हम बस ये चाहते हैं कि आप ये बताइए कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर आया है तो उसके बाद हम लोग एलिजिबल हैं या नहीं। एज एन स्टूडेंट हम लोगों के मन में भी बहुत तरह का बात है, तो आप ऐसा करिए कि किसी के साथ भी गलत नहीं हो, क्योंकि एक स्टूडेंट के नाते हम यही चाहते हैं कि बहाली फंसे नहीं। अगर इस बहाली में बिहार सरकार जा करके सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखे और पक्ष रखने के बाद यदि वहाँ से ऐसा इंफॉर्मेशन आता है कि चूंकि हम जिस डेट में ये इंफॉर्मेशन लागू किए हैं उस डेट के पहले का वैकेंसी है और आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, उसी कंडीशन में ये एग्जामिनेशन कराया जाए, ये सरकार से और शिक्षा विभाग से हाथ जोड़ के विनती है। नहीं तो फिर किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता है। आप अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का अवमानना करते हैं वो भी कंडीशन हम लोग के लिए घातक है, क्योंकि एग्जामिनेशन लीजिएगा तो एग्जाम देने के लिए हम भी विवश हैं, लेकिन उसके आगे क्या होगा इसके भी तो रिस्पॉन्सिबल आप ही लोग हैं ना। आप आपसे विनती है सर, बिहार के ही नहीं पूरे देश के अभ्यर्थियों ने यहाँ पे बहुत उम्मीद से अप्लाई किया था, लेकिन हम लोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी सम्मान करते हैं और आप भी उन चीज़ों को देख करके अगर ऐसा आपके पास सच में विशेषाधिकार अधिकार है कि आप प्रयोग करके और जो ये बहाली है इसमें वो लागू नहीं होगा तभी आप एग्जाम लीजिए। हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, इस कंडीशन में ये बहाली भी अच्छे से हो जाएगा, लेकिन यदि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो महोदय हम लोगों की भी इच्छा नहीं है कि ये बहाली फंसे और आप 6-8 की बहाली दे दीजिए और हम लोग का भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये जबरदस्ती एग्जामिनेशन लेना और बाद में वो कोर्ट जाना ये किसी भी स्टूडेंट के लिए सही नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में कहीं ना कहीं हारेगा स्टूडेंट, बहाली किसी की भी नहीं हो सकती है। क्योंकि आप लोग को नहीं पता है कि विभाग में जब हम गए थे उनके सामने बोले कि सर हमें ये लिखित चाहिए कि अगर एग्जामिनेशन लिया जाता है तो क्या ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का जो केस है ये इन पे लागू नहीं होगा, अगर होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी तो एग्जामिनेशन देने के बाद जाएंगे कि हमारे साथ तो सरकार सब कुछ जानते हुए गलत कर रहे हैं ना ये लोग। सही बिंदु को क्लियर करने के बाद एग्जाम लेना, हम खुद नहीं चाहते हैं, हम एग्जाम विरोधी भी नहीं है, लेकिन अगर आप एग्जाम ले लीजिएगा और उसके बाद कोई तरह का दिक्कत होगा तो फिर इसके लिए दोषी कौन है, लड़ेंगे दोनों पक्ष के स्टूडेंट, समझदार आप सभी स्टूडेंट हैं, क्या हम आपके दुश्मन हैं या फिर सरकार आपकी दुश्मन है, आप ही लोग सोच लीजिए। सारे बीएड के स्टूडेंट किनके द्वारा इस बहाली को फंसाने का काम किया जा रहा है, हम आप सारे लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग ट्विटर कैंपेन के द्वारा या जिस भी माध्यम से होता है गवर्नमेंट से एक स्पष्टीकरण मांगिए, आप उनसे बोलिए कि क्या आप इस बहाली में एग्जाम लेने के बाद हमें ये कह सकते हैं कि हमारे लिए आगे फ्यूचर है, और अगर फ्यूचर नहीं है तो आप एक बार क्लियर कर लीजिए वहाँ से और जो हमारे लिए आपको सूटेबल लगे वो करिए, इसमें किसी के भी साथ ना अन्याय होगा और ना कोई लोग पहुँच जाएंगे। सभी साथियों को नमस्कार। क्या बोले, ये तो सिचुएशन ही ऐसा है कि मतलब हम लोग सारे ही स्टूडेंट्स शॉक्ड हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है हम लोग के साथ। फॉर्म फिलअप होने के बाद हमारे पास ये आता है कि हम लोग
इस बहाली के लिए ही योग्य नहीं है। इसी वजह से मैं, चंचला मैम और लवली मैम, तीन लोग हम लोग आए थे सचिवालय। मैम आप अभी आई थी, आप थोड़ा जाइए और ये देखिए कि ये हमारा लेटर है। और हम लोगों ने साफ साफ विभाग के सामने बस दो पॉइंट रखा था। उसमें हमारा साफ कहना था कि यदि इस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद यदि आप टीआरई एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं तो परीक्षा के बाद हम बीएड अभ्यर्थियों को बहाली से वंचित नहीं किया जाए, ऐसा आप लिखित दीजिए। और अगर ये पॉसिबल नहीं है, चूँकि ये आपको भी पता है कि अंदर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, तो फिर आप 6-8 की बहाली दीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि फिर हम लोग एग्जामिनेशन में बैठे और आप यूज एंड थ्रो ग्लास की तरह हम लोग को फेंक दीजिए। हम लोग भी आप ही लोग के ऊपर जाएंगे, जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं वो लोग भी आप ही लोग के ऊपर जाएंगे, क्योंकि गलती ना हमारी है ना उन स्टूडेंट का, वो लोग भी अपने जगह सही हैं, हम भी हमारी जगह सही हैं। तो कुल मिला करके गवर्नमेंट को ये पॉइंट क्लियर करना चाहिए। और सबसे आश्चर्य तो तब लगा कि जब विभाग के अधिकारी जो हैं वो कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। पता है आपको क्या बोल रहे हैं? एग्जामिनेशन दो और उसके बाद छोड़ जाओ। मतलब सोचिए कि ये कितना, मतलब हम लोग इसके लिए थोड़ी ना बने हैं, इतना दिन से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप जितने भी तमाम साथी हैं, हम तमाम साथियों से आग्रह करना चाहते हैं कि देखिए आपस में मत लड़िए, बीएड डीएड करने से कुछ भी नहीं होगा। सब लोग हमारे अपने और समझदार यदि होंगे तो आपको पता होगा हम बहाली नहीं चाहते हैं कि फंसे, इसीलिए आए थे। आप देखिए कहीं भी हमने ऐसा लिखा है कि आप हमें जबरदस्ती शामिल कर लीजिए? अगर ऐसा है तो आप करिए, नहीं है तो हम कह ही रहे हैं कि आप बीच का विकल्प निकालिए ना, इतने सारे स्टूडेंट हैं। और समझदार स्टूडेंट जो भी होंगे वो भी चाहेंगे कि एग्जामिनेशन हो तो हम लोग स्कूल में जाए ना कि कोर्ट में जाए। तो आप सब की ये जिम्मेवारी है कि आप लोग गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाए, विभाग के ऊपर प्रेशर बनाए ट्विटर के द्वारा या जिस भी टाइप से, कि हमें आप पहले क्लियर कर दीजिए और उसके बाद आप एग्जाम लीजिए महोदय। क्योंकि हर स्टूडेंट ने उसके लिए खून पसीना एक किया है, तो ये किसी के लिए भी सही नहीं है कि एग्जामिनेशन होने के बाद पता चला कि ये बहाली में कुछ बचा ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।